नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर देश की तरक्की में विशेष रूप से युवाओं की मुख्य भूमिका होती है, खासकर अगर देश का युवा समाज सेवा के कार्यों में अगर तल्लीनता से लग जाए तो वो देश निश्चित रूप से तरक्की की ओर बढ़ता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं कुरुक्षेत्र में ऐसे ही युवाओं का एक संगठन काइंड बींग्स के नाम से, जो एक एनजीओ दिल्ली से जिसकी शुरुआत की गई थी। आज उस दिल्ली से वो चलता सफर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में एक युवाओं की टीम जो काइंड बींग संस्था के बैनर तले लगातार समाजित कार्यों में बढ़ चढ़कर अपना भाग ले रही है। तो ऐसे में आज हमारे साथ संस्था के जो सदस्य हैं, वॉलंटियर कहें, पदाधिकारी कहें, हर एक टीम कार्यकर्ता कहें, हमारे साथ मौजूद हैं यश कामरा, नवम जिंदल, ध्रुव तायल, अंश दीमान, मोंटी पंजाबी, ये हमारे साथ मौजूद हैं। और इसीलिए आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में काइंड बींग संस्था किस प्रकार के कार्य कर रही है। तो नमस्कार यश। यश, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा जो काइंड बींग संस्था है, एनजीओ जो समाज सेवा के कार्यों में लगातार काम कर रहा है, इसकी शुरुआत धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कब और कैसे हुई? ये कुरुक्षेत्र में काइंड बींग संस्था की शुरुआत 15 अगस्त 2020 को हुई थी, जो सिर्फ हमें एक दोस्तों का ग्रुप था, हमने मिलके इस पे देखा और हम काइंड बींग से जुड़े और हमने इसकी शुरुआत एक एड उछाला प्रोजेक्ट से शुरू करी थी। राष्ट्रपति रोड पे हमारा एक स्पॉट था, तो हम उनको हर वीकेंड पे जाके सैटरडे संडे उनको पढ़ाया करते थे। ठीक है। तो उनसे हमें एक अलग जुड़ देखते हमारे साथ कहीं और युवा जुड़े और हम बढ़ते चले गए और अब हमें 2 साल होने वाले हैं इस 15 अगस्त को। इस करके हमें प्रेरणा मिली और एक और प्रोजेक्ट है हमारा अन्नपूर्णा, जो हमने पिछले साल 6 मार्च को शुरू किया था और कल उसका हमें 1 साल हो जाएगा। उसमें हम मिलके लगभग हर महीने में 500 लोगों का खाना मिलके खुद बनाते हैं, खुद सब्जियां वगैरह लाते हैं, खुद काटते हैं, खुद बनाते हैं और उसको एक मील बॉक्सेस में पैक करके हैशटैग शेयर हैप्पीनेस के नाम से हम उनको देते हैं और हमें एक अलग से खुशी महसूस होती है जब हम वो करते हैं। तो इस समय कुरुक्षेत्र में लगभग कितने युवा जो हैं काइंड बींग संस्था के साथ जुड़े हुए हैं? 25 से 30 लीटर हर महीने इसके लिए काइंड बींग संस्था के लिए काम कर रहे हैं। तो प्रॉपर सारा रोज सेवा में लगे रहते हैं, कुछ दिन डिसाइड किया हुआ है? हर शनिवार और एतवार को हम सब मिल के ये सब करते हैं, बच्चों को पढ़ाना, 3 बजे हम मिलते हैं और अपने अलग अलग स्पोर्ट्स डिसाइड करके, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि नई अनाज मंडी में 50 फुटे रोड पे जहाँ जहाँ लगता है कि स्लम एरिया है या कुछ ऐसे जरूरतमंद बच्चे हैं जो पढ़ाई से कहीं दूर है, जिसे बेसिक शिक्षा की जानकारी दी जाए। हाँ जी, हम मिलके अपनी अपनी ड्यूटीज पान लेते हैं, आज अलग अलग जगह चले जाते हैं और हम सबका एक सिलेबस उनको स्टेशनरी प्रोवाइड, उनको उनके राइट्स के बारे में बताना ताकि वो कभी भी मार ना खा सके। नवे, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर ये क्या वजह है कि संस्था तो काइंड बींग्स है, मतलब दयालु लोग की कोई उम्र नहीं होती, बच्चा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, लेकिन काइंड बींग्स जो संस्था कुरुक्षेत्र में काम कर रही है उसमें सारे युवा ही है, कोई बुजुर्ग क्यों नहीं है, सभी युवाओं को क्यों लिया गया, कम उम्र के आपको, सभी आप यंगस्टर है। स्टार्टिंग में जैसे यश राघव भैया जो हमारे मैनेजर हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था, तो इन्होंने स्टोरीज डाली थी, 15 अगस्त 2020 को स्टार्ट हुआ था, तो मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा। जैसे स्टोरीज वगैरह हम देखते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, मैंने यश की स्टोरी देखी तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, मैंने इसको कॉन्टेक्ट किया, भाई मेरे को भी ज्वाइन करना है, कैसे होएगा, फिर इसने प्रोसीजर बताया मेरे को, तो फिर मैंने भी कुछ दिनों बाद 28 अगस्त को मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो फिर मतलब जैसे हमारे यंगस्टर्स ही होते हैं, हम तो यंगस्टर्स को ही फॉलो बैक करते हैं, तो उनके साथ ही जुड़े होते हैं, तो हमें एक तो यंगस्टर में एनर्जी होती है तो काफी अच्छा लगता है। क्योंकि तो जैसे जैसे आप, जैसे यश ने बताया कि मुख्य रूप से 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, खाना बच्चों को बांटते हैं, कहीं जरूरतमंदों को, और पढ़ाई का एजुशाला चल रहा है, तो एजुशाला के अंतर्गत किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाता है? पहले तो हम हमारे ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप पे, उसमें हम देख लेते हैं कि भी कौन कौन आएगा, कौन फ्री है। ठीक है। फिर वीकेंड्स पे सैटरडे और संडे, क्योंकि हम सारे यंगस्टर्स हैं तो फ्री होते हैं, तो उस हिसाब से हम अपनी ड्यूटीज बांट लेते हैं, क्योंकि हमारे 3-4 स्पोर्ट्स हैं, उस हिसाब से हम बच्चे डिवाइड कर लेते हैं कि भी कौन कहाँ पे पढ़ाने जाएगा। ठीक है। उसके बाद बस जैसे स्टार्ट कर लेते हैं बोर्ड वगैरह, उनकी कॉपी, स्टेशनरी,
सब प्रोवाइड करते हैं उन्हें, उनकी अटेंडेंस भी लेते हैं, जो अच्छा करता है उन्हें प्राइजेस भी देते हैं। उसके अलावा हम साइड बाय साइड, जैसे उनका बर्थडे है तो हमने सब नोट किया हुआ है कब किसका बर्थडे है, किस दिन है, तो हम जाते हैं उनके लिए केक लेते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उनका बर्थडे। मतलब एक समाज की धारा से जोड़ने का काम करते हैं, चाहे वो शिक्षा के साथ उनके त्योहारों को, उनके जन्मदिन को, कोई भी आयोजन होता है, कोई खुशी खुशी प्रदान करने का काम, कोई भी फेस्टिवल हो, हमारा मोटिव रहता है उनको इसका मतलब समझाएं कि क्या होता है उस दिन, उनके साथ वो सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, या फिर बसंत पंचमी कैसे सरस्वती माता की पूजा करनी है, सब कुछ उन्हें सिखाते हैं उसका मतलब, फिर प्रसाद उस दिन क्या मोटिव होता है उस चीज़ का, कि वो बसंत पंचमी को पीले चावल ही, मीठे चावल क्यों, जानकारी उनको सारी प्रॉपर जानकारी। अब जैसे बच्चों पे चप्पलें नहीं थी, तो हमारे ग्रुप में एक अनिरुद्ध है, उनकी शूज की दुकान है, ठीक है, तो हमने हेल्प करी, तो शूज चप्पल हमें ठीक में मिल गई, तो उनको डोनेट करी, उसके बाद क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन भी किया हमने, साइड बाय साइड हमारे चलते रहे। तो यही आपकी बात में से एक प्रश्न खड़ा होता है कि जितना भी आप यंगस्टर इस संस्था के अंतर्गत खर्च करते हैं, चाहे वो खाना बनाने से बांटने तक की प्रक्रिया हो या पढ़ाने की प्रक्रिया में कई चीजों की जरूरत पड़ती है जहाँ पैसा खर्च होता है, तो वो खर्च की व्यवस्था कैसे करते हैं? एक तो घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं इस काम में, क्योंकि आजकल के बच्चे क्लबिंग वगैरह ज्यादा करते हैं, तो उन्हें भी हम पे गर्व होता है कि भी बच्चा अच्छे काम में लगा हुआ है, तो वो भी फाइनेंशियली कभी ये नहीं कहते कि भी नहीं हर बार आ जाता तो, बस ऐसी थोड़ी सेविंग्स में निकाल के थोड़ा पेरेंट्स का सपोर्ट, ऊपर से जब हम अपने पोस्टर्स वगैरह शेयर करते हैं तो लोग भी डोनेट करते हैं, ज्वाइन करते हैं हमारे साथ, तो ऐसे ही चलता है। तो यश, आपको ऐसा नहीं लग रहा जिस प्रकार आप एजुकेशन पे तो काम कर रहे हैं, गरीब हैं, जरूरतमंद बच्चे हैं या जो स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे, उनके लिए आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, निसंदेह ये प्रशंसनीय कार्य है, जरूरतमंदों को खाना वितरित कर रहे हैं वो भी बड़ा अच्छा काम है। सबसे बड़ी अच्छी बात आप लोगों की ये कि जितने यंगस्टर हैं, मेरे ख्याल से आप सभी लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ही हैं या स्कूल गोइंग भी हैं, कुछ स्कूल गोइंग हैं, तो जितने भी आप लोग हैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के लिए रोल मॉडल बन रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में युवा जो है कहीं ना कहीं समाज की धारा से भटक भी रहा है, तो क्या ऐसे युवाओं के लिए भी आप कुछ करने वाले हैं, आपकी संस्था कुछ कर रही है, जैसे क्योंकि आज के दौर में नशा सबसे जो है खतरनाक बीमारी कहें या लत कहें या आदत कहें, जिसमें युवा जो है नशे की दलदल में फंसता जा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे युवाओं को नशे से दूर करने के लिए कोई अभियान चलाया जा रहा है या चलाया जाएगा, ऐसी कोई योजना है? अभी उसके बारे में हमने बात कर रखी है, तो हम उसके लिए कैंप लगाने की सोच रहे हैं, हम बेजल लगाएंगे उसको अभी, हमारा यह है कि कोई भी नशे के बजाय एक अच्छे काम में उसका इस्तेमाल करे, जो वो नशा कर रहा है उसके बजाय अगर वो यही काम किसी अच्छे जो अच्छे एनर्जी अपनी अच्छी जगह पे लगाएगा, जो वहाँ वो खर्च कर रहा है उसमें भी उसका अपनी फैमिली को बर्बाद कर रहा है वो नशा करके, वो जो उसके पैसे हैं उसको भी एक तरीके से डुबो रहा है, अपनी सेहत भी डुबो रहा है, तो वो एक अच्छे काम में अपने लिए भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो जैसे आपने बताया कि आप शनिवार एतवार के दिन जाके खाना भी बांटते हैं, अभी आपने बताया कि खाना सभी लोग सब्जियां वगैरह जो खाने में जो इस्तेमाल होता है, जो सामान आप खुद खरीदते हैं, खुद बनाते हैं, बनाता कौन है, क्योंकि युवा सारे खड़े हैं, कौन बनाता है, बांटते किस प्रकार से? ये हम सारी सब्जियां रोज सुबह जाके हर मंडी हमारा प्रोजेक्ट मंडी से लाते हैं सुबह 6 बजे उठ के, ये मोंटी पंजाबी है, इनकी ये सारा सेक्टर में दुकान है, तो हर हर मंथ ये हमारे लिए आते हैं, हमारे लिए फ्री में खाना बनाते हैं। तो मोंटी जिस प्रकार घर में होता है ना, घर में अक्सर हमारी मम्मियां खाना बनाया करती हैं, घर की जो महिलाएं होती है वो खाना बनाते हैं, आप युवा हैं और जब खाना ऐसे लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए बनाते हैं तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है सर हमें तो, मतलब खासकर जब खाना बनाते हैं हम शनि एतवार को जिन लोगों के लिए बनाते हैं, ज्यादातर क्या चीज बनती है जो चीज आप बांटते हैं, मतलब एक होता है ना कि सूखी सब्जी बनती है या कड़ी चावल बनते हैं, किस प्रकार का, या हर बार अलग अलग होता है? हर बार ये अलग अलग होता है, और उसके साथ साथ जैसे भी इवेंट होता है हमारा, जैसे भी दिवाली त्योहार हो गया, दशहरा हो गया, उसके साथ मिठाई भी देते हैं सर, कपड़े भी देते हैं बच्चों को, किसी भी चीज की महसूस नहीं होने देते, कोई भी त्योहार हो सबको दिल से मनाता है, जैसे दिवाली आएगी सर और उनको सब बच्चों को मिठाइयाँ बांटी जाएगी सर, ये तो चलता रहा, और हमारा हर मंगलवार को सुबह 8 बजे का टाइमिंग है, सारे बच्चों को चाय पिलाई जाती है सर, हमारी चाय के साथ बिस्कुट भी दिए जाते हैं, रस भी दिए जाते हैं, ब्रेड भी दिया जाता है, वो मौके पर डिपेंड करता है किसके साथ क्या हाँ सिस्टम हो सकता है सर। तो नवे जैसे आप लोग ने बताया कि लगभग कितने लोगों की आपके वॉलंटियर्स की टीम है, जिस प्रकार आपने कार्ड भी सभी को इश्यू किए हैं गाइडमेंट्स के? हाँ जी,
तो लगभग कितने के समय हमारी जो टीम जो कारवा दो लोगों से चार लोगों से शुरू हुआ होगा, आज की डेट में कारवा कितने यंगस्टर का इकट्ठा हो चुका है? दो चार लोगों से टीम स्टार्ट हुई थी, ज्वाइनिंग कम से कम होगी 40-50 की, पर जो एक्टिव वॉलंटियर्स हैं वो 25-30 हैं। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं काइंड संस्था से उनके लिए क्या प्रक्रिया है? ये एक्चुअली दिल्ली बेस्ड एनजीओ है, तो हमें पहले वहाँ पे 200 रुपीज देने मेंबरशिप है, वो मेंबरशिप है क्योंकि उसका वो लाइफ टाइम मेंबरशिप है। मेरे कहने का मतलब जो लोग इस खबर को देख रहे हैं और जिन युवाओं को ये आपकी जो संस्था अच्छी लगती है, आपकी संस्था की कार्यशैली अच्छी लगती है, एक प्रेरणा मिलती है कि अगर ये युवा शहर के नौजवान लड़के अगर अच्छे काम कर रहे हैं, गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खाना वितरित कर रहे हैं, पशुओं की रक्षा के लिए जुटे हुए हैं, नशा अभियान चलाने की तैयारी में करें, नशे के विरुद्ध अभियान चलाने की तैयारी में, अगर युवा कुरुक्षेत्र के और युवा जुड़ना चाहते हैं काइंड बीइंग संस्था के साथ तो किससे संपर्क करें? 200 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस है, वो हमें दिल्ली जो हमारी मैनेजर है सानिया उनको हमें देने होते हैं। उसके बाद वो हमें एक आईडी कार्ड इशू करते हैं, उस पर जैसे कि आप देख रहे हैं मेंबरशिप आईडी है वो मिलती है हमें, ठीक है। उसके बाद ये लाइफ टाइम मेंबरशिप है, ठीक है, और हमें एक ई सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, तो फिर हम ज्वाइन हो जाते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है जैसे आप संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, आपको कैसा लगता है लोगों के लिए बच्चों को पढ़ाने में या जरूरतमंदों को खाना बांटने में? बहुत खुशी होती है और मन करता है कि अपने आगे उनको भी बताएं कि जो हमारे साथ में रहते हैं। और पेरेंट्स के क्या रोल रहता है? पेरेंट्स के भी ऐसा होता है कि पेरेंट्स जानते हो किन कामों में पढ़ गए, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, घर के काम में हाथ बढ़ाओ या पिताजी के साथ उनके रोजगार में हाथ बढ़ाओ? वो तो एक लाइफ का पार्ट ही है, वो भी हमें करना है और ये भी हम करते ही हैं। तो अगर हम फैमिली के साथ मिलके चलते हैं तो फैमिली भी हमें सपोर्ट करती है, तो इसलिए कोई बुरा काम नहीं है, तो फैमिली हमें सपोर्ट करती है और कभी मना नहीं करती किसी चीज के लिए। तो भविष्य में क्या क्या प्रोजेक्ट है यश? जो काइंड बीइंग्स के भी 6 प्रोजेक्ट टोटल, एक तो बी काइंड टू एनिमल्स, ठीक है, उसमें हम पशु जो घायल होते हैं उनकी रक्षा करते हैं, मतलब अगर आपको कहीं पता लगता है कि कहीं कोई भी जानवर घायल अवस्था में पड़ा तो हम उनकी मदद के लिए वो करते हैं जी। और किस प्रकार के? एक एडुशाला अन्नपूर्णा और एक है एनवायरमेंट जिसमें वॉस 5 वगैरह का कहीं भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हमने भी कई बार कुरुक्षेत्र में किया, 5 के रिलेटेड है। और भी 2 प्रोजेक्ट्स हैं अभी जो करंटली कुरुक्षेत्र में नहीं है, बाकी और जगह वर्किंग्स है। तो यस, जैसे कि जैसे मैंने अभी बात की कि नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाने की जरूरत है, एक ये तो आप सब मानते होंगे कि आने वाले दिनों में जल संकट भी बहुत बड़ा एक इशू बनने वाला है कि कहीं ना कहीं पानी का संकट आने वाला है, जिस प्रकार से पानी व्यर्थ बह रहा है। अक्सर हम देखते हैं चाहे हमारे घरों की बात हो या कहीं ब्रह्मसमुद्र के किनारे कहीं देखते हैं टूटियां चल रही होती, पानी व्यर्थ ही बह रहा है। तो जल बचाओ नशे के खिलाफ अभियान, आपको लगता है कि ये अभियान भी चलने चाहिए? बिल्कुल सर, ये अभियान चलना चाहिए, पर इसी चक्कर में हमने एडुशाला चलाई है ताकि उन्हें बेसिक नॉलेज हो कि भी कैसे पानी को यूज करना है, क्या होना चाहिए, हम सारी बेसिक नॉलेज देते हैं ताकि, क्योंकि यही बच्चे होते हैं जो पानी से खेल रहे होते हैं इधर उधर, अगर इन्हें पता होगा कि भी पानी कितना कीमती है हमारे लिए, एक बूंद कितनी कीमती है हमारे लिए, तो यूज उसका अच्छे से करें। तो नवीन, जैसे कई प्रोजेक्ट आपकी संस्था कर रही है, जैसे आपने एडुशाला है या बच्चों को भोजन वितरित करना है, पर्यावरण को लेकर, ऐसी इन विषयों पर शहर में और भी कई संस्थाएं काम कर रही हैं, तो कहीं और संस्थाओं के साथ भी आप लोगों का कोलैबोरेशन हुआ है? किसी दूसरी संस्था ने आपको कहा हो कि मिलकर चलो ये काम करते हैं, या आपकी तरफ से उनको प्रपोजल गया हो कि सर आप ये काम कर रहे हैं, क्यों ना मिलकर, क्योंकि जब सारे इकट्ठे होकर कोई काम को करते हैं तो काम जल्दी और आसानी से होता है। हम एक आश्रम से जुड़े हुए हैं, पिछले साल 15 अगस्त 2021 को हम उनसे जुड़े थे, मातृभूमि सेवा मिशन के नाम से, तो वहाँ पे 25 बच्चे हैं उनके पास, तो वहीं पे वो पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं। कई अनाथ हैं, कईयों के पेरेंट्स आते हैं, उनसे बात करते हैं, छुट्टियों में उनके साथ भी जाते हैं, तो उन्होंने मतलब वहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर होता है कि बस वो आ जाएं, खाना जिम्मेदारी सब उनकी है, टोटली फ्री है वो, पर वो बच्चे को एक बार देखते हैं वो बच्चा कैसा है, तो इस हिसाब से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो हमें पूरा सहयोग करते हैं, जैसे हम पे हमारा कोई ऑफिस नहीं है कोई बैठने के लिए, तो हम वहाँ पे कभी भी चले जाएं, हमारे लिए हर टाइम उनके गेट खुले हैं, कभी वो कुछ नहीं कहते, मतलब जैसे मर्जी वो हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, कोई खाना बनाना हो हमने तो कोई भी ज़रूरत हो हमसे पूरा करते हैं। जैसे अभी हमने ब्रह्मसरोवर पे चाय सेवा करी थी गीता जयंती के हर एक दिन बिल्कुल निःशुल्क,
तो वहाँ पे जो वहाँ पे गुरु जी हैं उन्होंने हमें दुकान अलॉट करवाई थी, वहाँ हम बैठ के सबको चाय बिस्किट वगैरह सब किया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ काइंड बींग संस्था के वॉलेंटियर्स। युवा है देश का उज्जवल भविष्य है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं जो शिक्षा खुद शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और देश अपना भविष्य और देश का उज्जवल भविष्य बनाने की और अग्रसर है। वही देश की जो भावी युवा पीढ़ी है, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जरूरतमंद हैं, कहीं स्लम एरिया के रहने वाले हैं, कुरुक्षेत्र के अलग अलग एरिया में रहते हैं, ऐसे जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाई भी शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें विकसित भी कर रहे हैं, उन्हें पढ़ा भी रहे हैं। जरूरतमंद बच्चों के लिए हर शनिवार और रविवार को पढ़ाने के साथ साथ खाना भी वितरित कर रहे हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ पशु संरक्षण के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। नशे के खिलाफ भी अभियान चलाएंगे और अन्य समाज से जुड़े अन्य कार्यों के क्षेत्र में भी समाज जुड़ाएंगे। ऐसे में ये सभी युवा समाज के लिए प्रेरणा है। जो युवा और इस खबर को देख रहे हैं उन युवाओं के लिए ये सभी युवा एक प्रेरणा के रूप में, एक रोल मॉडल के रूप में, कि उन युवाओं को भी आगे बढ़कर समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दर्ज करानी चाहिए। धन्यवाद।